और देखिए इस बीच कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं एनडीए के दिग्गज नेता जो आज जुटने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में, वो तस्वीरें आई है हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें जिनमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि कद्दावर और बड़े नेता आज किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद होंगे। और अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उन नेताओं के साथ मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में, जिन दिग्गजों का आज जमावड़ा होने वाला है उनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के हम आपको बता दें रामविलास पासवान, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, सरीखे बड़े नेता शामिल होंगे। और ये एनडीए की ताकत दिखाने के साथ साथ नीतीश कुमार का साथ आना, मतलब पूर्वांचल के वोटर्स को संकेत देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश। काल भैरव के दर्शन के बाद एनडीए के ये बड़े नेता, एनडीए के दिग्गज पहुंचेंगे नामांकन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी सामी मौजूद हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एनडीए के इन दिग्गज नेताओं के साथ मौजूद, एनडीए नेताओं से मिलने पहुंचे हैं अमित शाह। आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, कल सिर्फ प्रधानमंत्री का रोड शो था, आज पूरे एनडीए की ताकत दिखने वाली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन कचहरी से दाखिल करेंगे। और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होना बड़ी बात है। पिछली बार 2014 में तल्खी थी जेडीयू और बीजेपी के बीच, जेडीयू एनडीए का हिस्सा भी नहीं थी, और इस बार नीतीश कुमार ना सिर्फ एनडीए का हिस्सा है बल्कि पहली बार नरेंद्र मोदी के नामांकन में पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं, एनडीए की एक ताकत जिसको दिखाने की कोशिश। और ये देखिए अमित शाह जो है उनको शॉल भेंट किया जा रहा है, वहां पर अमित शाह तमाम नेताओं के साथ, एनडीए के जो दिग्गज नेता हैं उनके साथ मौजूद। लगातार महागठबंधन जो है वो बीजेपी को टक्कर देने की बात कहता रहता है, ये एक मौका है बीजेपी के पास कि एनडीए के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में दमखम के साथ ताकत दिखाई जाए। तो ये बेहद खास तस्वीरें, हम आपको बता दें ये बड़े दिग्गज नेता आज उस वक्त भी मौजूद होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ वक्त बाद काल भैरव के दर्शन करके पहुंचेंगे सीधे कचहरी नामांकन करने के लिए। अमित शाह की एनडीए नेताओं से मुलाकात हो रही है, बड़े बड़े चेहरे आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और बीच में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो खुद लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन में बड़े चेहरे जो शामिल होंगे वो हम आपको बता रहे हैं, अमित शाह मौजूद होंगे। सबसे बड़ा नामांकन आप कह सकते हैं 2019 का, जिसमें केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज मौजूद होंगी, राजनाथ सिंह को आप तस्वीरों में देख ही पा रहे हैं वो भी मौजूद होंगे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां आएंगे। ये तो मोदी सरकार के मंत्री हैं, लेकिन एनडीए के दिग्गजों का भी जमावड़ा होने वाला है। पीयूष गोयल ये भी वहां मौजूद होंगे। अमित शाह फिलहाल तमाम जो एनडीए के बड़े चेहरे हैं उनसे बात कर रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल है। और हम आपको बता दें कचहरी जो एक दूसरा छोर है जहां पर नामांकन करने जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां एनडीए के तमाम बड़े चेहरे उनके साथ मौजूद होंगे, वहीं कचहरी से हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं। अमिताभ, किस तरह की हलचल देखने के लिए मिल रही है कचहरी के आसपास जहां प्रधानमंत्री एनडीए के बड़े चेहरों के साथ 2019 का नामांकन करेंगे? देखिए कचहरी के सामने मैं खड़ा हूँ और इसी कचहरी में अभी से 11:30 से 11:30 के बीच में प्रधानमंत्री अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन इस भव्य दो दिन के शो की का एक ही निचोड़ है, पहला जनता के बीच कितने लोकप्रिय हैं कल के रोड शो से पता चला, और दूसरी बात और जो सीधे सीधे देश भर में और विपक्ष को ये संदेश देने की कोशिश कि एनडीए का कुनबा पूरा का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। अगर नीतीश कुमार मौजूद हैं, प्रकाश सिंह बादल मौजूद हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, नीतीश कुमार भी उनके साथ आ रहे हैं, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, तो दो चीज़ें तो सीधे संदेश देने की कोशिश है। पहला एनडीए के कुनबे के नेता हैं वो, दूसरा बीजेपी के नेता हैं वो। जो बात चल रही थी कि बीजेपी की सीटें कम आएंगी तब नरेंद्र मोदी को उनके कुनबे वाले ही प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तमाम चीज़ों को, सारे स्पेकुलेशंस को ताक पर रख दिया गया और ये सीधा संदेश गया है सबको कि प्रधानमंत्री एक छत्र नेता है एनडीए के, और बीजेपी के चुनाव में जो भी हो प्रधानमंत्री अगर इनके उम्मीदवार हैं तो नरेंद्र मोदी हैं। तो जाहिर तौर पर जब तमाम नेताओं से अमित शाह मिल रहे हैं उनसे नामांकन के बारे में बात हो रही होगी, भविष्य की रणनीति के बारे में बात हो रही होगी, क्योंकि फिर बार बार सबको एक साथ बैठने का मौका बार बार मिल नहीं पा रहा है। नया
जी अमिताभ, ये भी बताइए, तस्वीरें बेहद खास हैं, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां काल भैरव जाने की तैयारी कर रहे हैं और इधर अमित शाह जो हैं वो जो घटक दल हैं यानी एनडीए के बड़े चेहरे उनके साथ पहले ही मीटिंग कर रहे हैं। ये किस तरह का संदेश वोटर्स के बीच देने की कोशिश है, क्योंकि आमतौर पर जब आप उत्तर प्रदेश आए तो बार बार महागठबंधन कहता है कि हम बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, बीजेपी को हराएंगे, लेकिन ये मौका अमिताभ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के पास है अपनी संयुक्त रूप से ताकत दिखाने का। यही संयुक्त रूप से ताकत दिखाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि तमाम अगर एनडीए के घटक दल के बड़े नेता, सबसे सर्वोच्च नेता यहाँ पर आए हैं और मिल रहे हैं अमित शाह से और प्रधानमंत्री के नामांकन में शामिल होंगे, तो यह सीधा सा संदेश है कि अब एनडीए के कुनबे पर अगर कोई सवाल उठा रहा है या प्रधानमंत्री का कोई विरोध करेगा, ये तमाम सवालों को जनता के बीच सारे स्पेकुलेशन को अब खत्म कर दिया गया है और सीधा सीधा संदेश देश की जनता को दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है दोबारा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री कल ने भी वहाँ पर गंगा आरती की है, आज काल भैरव के दर्शन करेंगे जो कुल देवता माने जाते हैं बनारस के कोतवाल माने जाते हैं वाराणसी के, तो उनके दर्शन करेंगे, तो जाहिर एक इसका भी संदेश है कि भक्ति में शक्ति वाला संदेश है कि अगर प्रधानमंत्री भक्ति भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और जो देश भर में जो ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन, अगर देखोगे केदारनाथ के पट खुलते हैं बंद होते हैं, प्रधानमंत्री बार बार वहाँ भी जाते हैं, अगर बनारस का मंदिर देखो, मंदिरों के दर्शन प्रधानमंत्री लगातार करते रहते हैं और देश भर की जनता को संदेश भी देते रहते हैं। और तीसरा जो सबसे अहम है, लोग उनकी लोकप्रियता, कल का जो भव्य रोड शो हुआ है उसका जो संदेश गया है वो सिर्फ और सिर्फ बनारस की जनता को नहीं गया है, वो पूरे देश को गया है, पूर्वोत्तर के तमाम उन लोकसभा क्षेत्रों को गया है, देश की जनता को गया है। तो इसमें इसका निहान तीन ही निचोड़ है, पहला एक छत्र नेता एनडीए और बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर दूसरी बात भक्ति में प्रधानमंत्री पीछे नहीं रहे हैं और दूसरा लोकप्रियता में भी उनकी शक्ति का मुकाबला शायद और कोई नेता नहीं कर पा रहा, ये तीनों बातें बड़ी मायने रखती हैं। भक्ति और शक्ति की बात कर रहे हैं ना, कुल मिलाकर के ये दो दिन का दौरा शक्ति और भक्ति के इर्द गिर्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये भक्ति के बहाने शक्ति दिखाने की कोशिश। आपको फिर से एक बार बता दें, कुछ वक्त बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन करने जा रहे हैं, उनके दर्शन करने से पहले वहां के पुजारी से बात की है हमारे संवाददाता विक्रांत ने। इस समय हम वाराणसी के काल भैरव मंदिर में हैं, काल भैरव मंदिर की बेहद मान्यता है, बहुत प्राचीन ये मंदिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना नामांकन भरने से पहले इसी काल भैरव मंदिर में आकर के काल भैरव के दर्शन करेंगे और उसके बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले हम अपने दर्शकों को काल भैरव के दर्शन करवाते हैं और ये दिखाते हैं कि आखिर क्यों इस मंदिर की इतनी मान्यता है। काशी में बेहद ही प्राचीन ये मंदिर है, काल भैरव के बारे में कहा जाता है कि वो शहर कोतवाल हैं और जो भी यहाँ का आता है काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए तो वो काल भैरव के भी दर्शन करते हैं। ये काल भैरव मंदिर है, बनारस की तंग गलियों में ये काल भैरव का मंदिर है जहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं और काल भैरव के बारे में कहा जाता है कि काशी में अगर कुछ गलत होता है तो काल भैरव उसका दंड गलत करने वाले को देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय सुबह सुबह यहाँ भक्तों की भारी भीड़ है। पंडित जी अपना नाम बता दीजिए। अरविंद उपाध्याय। अरविंद जी, काल भैरव की मान्यता इतनी ज़्यादा क्यों है वाराणसी के लिए? वाराणसी के लिए इसलिए मान्यता ज़्यादा है कि काशी विश्वनाथ की ये क्रोध स्वरूप में है और यहाँ के कोतवाल हैं, ये बिना इनकी आज्ञा का कुछ भी मुमकिन नहीं है और ये प्राचीन से चला आ रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहले भी आए? हाँ, पहले भी आए। तो किस तरीके का आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहेगा? प्रधानमंत्री जिस टाइम आएंगे उनका पूजा अर्चन होगा, आरती होगी, उनके हाथ से आरती करवाया जाएगा और उन्हें मतलब दुपट्टे से वो किया जाएगा, हाँ, सम्मान करके फिर उनको विदाई किया जाएगा। बाबा का आशीर्वाद लेना, क्योंकि नामांकन से ठीक पहले प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो ये दिखाता है कि बाबा का आशीर्वाद लेना जरूरी है नामांकन जैसे बड़े काम। ये तो मोस्ट है क्योंकि बिना इनके आज्ञा का कुछ भी होने वाला नहीं है, ये नगर कोतवाल है, सब इन्हीं से चल रहा है काशी। तो प्रधानमंत्री ने इसी कारण इतने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान भी काल भैरव आने यहाँ पे दर्शन करने, और काफ़ी मैं देख रहा था बहुत तंग गलियों में आकर के आना पड़ता है, तो लोगों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो? नहीं, परेशानी थोड़ी बहुत तो होंगी, बट ये है कि बाबा ने उनको खुद बुलाया है, वो खुद आ रहे हैं। तो बाबा का आशीर्वाद जो है वो सब उम्मीदवारों के साथ रहेगा या प्रधानमंत्री को, क्योंकि शहर के सांसद भी प्रधानमंत्री बनेंगे अगर जीतेंगे? देखिए, ये तो पर्सनल व्यक्तित्व का वो है मैटर, लेकिन जो बढ़िया काम करेगा
उसके लिए काशीपुरी। प्रधानमंत्री जी के लिए कोई विशेष पूजा वगैरह भी यहाँ पर करवाई? विशेष पूजा जो बाबा का अष्टक होता है, आरती होता है, वही विशेष पूजा है। तो बाबा का दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री और यहाँ पर करीब 9:30 बजे के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद 11 बजे कोतवाली जा करके दर्शन करेंगे। तो उससे पहले न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को हमने बाबा काल भैरव के दर्शन करवाए और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बाहर लोगों की भी भारी भीड़ लगी हुई है जो दर्शनों के लिए अभिलाषी हैं, यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और अंदर का जो समय है वो इस समय पूरा इंतज़ार हो रहा है कि कब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया। काल भैरव शिव के रुद्र अवतार हैं, सबसे भयंकर स्वरूप है, यहां तुरंत दंड और तुरंत फल की प्राप्ति होती है और शिव की अनुमति से काल भैरव काशी कोतवाल बोले जाते हैं। तो कोई भी शुभ अशुभ कार्य करने से पूर्व इनकी अनुमति आवश्यक होती है, इसलिए माननीय मोदी जी यहाँ बाबा का अनुमति प्राप्त करने यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। काशी में यम का नहीं चलता है, काशी में बाबा काल भैरव का चलता है। आप जब यहाँ शमशान पे जाएंगे तो यही महाकाल के नाम से वहाँ रहते हैं और वही यहाँ दंड देते हैं। काशी में यमराज का दंड नहीं चलता है, ये इन्हें यहाँ वरदान है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने इन्हें वरदान दिया है कि काशी का जो भी लेखा जोखा होगा वो सब आप करेंगे। किसी को दंड देने का जो अधिकार है वो बाबा काल भैरव को है, इसलिए काशी में बाबा का जो एक अपना एक अलग महत्व है वही दर्शाता है। और वो इस बात को, क्योंकि मोदी का जो प्रेम काशी के प्रति है, उन्हें मालूम है कि काशी में अगर कुछ करना है तो बाबा का आज्ञा भी जरूरी है, क्योंकि राजा तो बाबा विश्वनाथ हैं पर उन्होंने ही इनको यहाँ चार्ज दिया है। तो जब तक आप काशी के कोतवाल से चार्ज नहीं लेंगे, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब तक कोई काम नहीं होगा। इसलिए वो इस बात को जानते हैं, इसलिए वो सबसे पहले नामांकन करने के पहले बाबा काल भैरव के दरबार में आएंगे और यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद वो नामांकन करने जाएंगे। और बाबा का आशीर्वाद जैसे इनके ऊपर पहले था उसी तरह अब भी है और कल भी रहेगा, और बाबा चाहेंगे तो प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और वो विजयश्री होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोगों की दृष्टि में, हम योगियों की दृष्टि में भी हट योगी हैं और आज महायोगी के दरबार में हट योगी का आगमन निश्चित रूप से, यह जो इन्होंने एक यज्ञ आरंभ किया है अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नेपाल से राजस्थान तक, समूचे भारत वर्ष को एक सूत्र में पिरोने का जो उन्होंने महायज्ञ आरंभ किया था, आज यह काशी के बाबा कोतवाल के दरबार में जब वो आएंगे तो उस महायज्ञ की पूर्णावती वह होगी और उसके पश्चात जो परिणाम मिलेंगे वो अद्भुत चमत्कारी परिणाम से कम नहीं होंगे। ऐसी मान्यता है कि काशी में अगर आप रहते हैं और यहाँ काल भैरव नहीं आते तो आपको कोई फल नहीं मिलता। वहीं काल भैरव को कहा जाए तो सत्ता की चाबी बाबा काल भैरव के पास में है। काल भैरव प्रमुख रूप से प्रशासनिक देवता हैं और काल भैरव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाले भी देवता हैं। यदि इनकी कृपा हो जाती है तो यह डिमडिम घोष करने लगते हैं, आपके ऊपर असीम अनुकंपा बरतने लगती है। और मोदी जी जो विजन को लेकर चल रहे हैं यह समूचे राष्ट्र के लिए मंगलकारी विजन है। इस देश में दो ही बाबा हुए हमारे दृष्टिकोण में, हम योगी दृष्टि में, पहले गांधी बाबा और दूसरा दाढ़ी बाबा। और यह दाढ़ी बाबा ने जो भी कुछ हम लोग को सिखलाया है वह अद्भुत है। हमारे माता पिता हमारे प्रथम गुरु अवश्य हैं, मगर निश्चित रूप से आज गुरु की श्रेणी में हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हट योगी के रूप में भी देखते हैं, यानी हट का तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला भी। इनके मार्गदर्शन से प्रेरणा से हमारे यह परिवर्तन आया। हम सभी लोग यहाँ पर अब एक संकल्प ले चुके हैं कि अब कुछ भी हम लोग खाएंगे पिएंगे बाहर नहीं फेंकेंगे। और यह प्रमाण के रूप में आप देख सकते हैं कि अभी कुछ पर पूर्व हम लोगों ने नमकीन और यह बिस्किट खाया था तो उसका रैपर अभी पॉकेट में रखे हुए हैं ताकि जब बाहर जाएंगे तो डस्टबिन में डालेंगे। तो यहाँ पर आना और बाबा काल भैरव के मंदिर जब वो निकलेंगे तो जो उनको आशीर्वाद जो मिलेगा वो अपने आप में अद्भुत अलौकिक रहेगा। न्यूज 18 इंडिया पर घर बैठे आप काल भैरव काशी के कोतवाल के दर्शन कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। काल भैरव की क्या मान्यता है, कितनी अहमियत है, कुछ जो वहां के विद्वान हैं, जो पंडित हैं, उनकी बातें हमने आपको सुनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काल भैरव जाना कितना अहम है ये भी अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि तीसरी बार हाजिरी लगाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार। हमारे साथ यहाँ पर आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी जी मौजूद है। आचार्य जी, काल भैरव की क्या मान्यता, काशी के कोतवाल और ये कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के पास जाने के बाद अगर आप काल भैरव नहीं गए तो आपका बनारस आना अधूरा ही माना जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। समस्त पापम दर्शनेन विनश्यते। काल भैरव बाबा काशी के कोतवाल हैं, वो चाहे देश के राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, यहाँ तक कि आपको जानकर आश्चर्य होगा यहाँ थाना कोतवाली ठीक सामने है,
वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं, प्रभारी निरीक्षक, मेन कुर्सी पर बाबा काल भैरव को विराजमान किए और बगल वाली कुर्सी पर अपने बैठते हैं। ऐसी मान्यता है कि सभी प्रकार के पाप जो हैं ये केवल दर्शन मात्र से काल भैरव बाबा के मुक्त हो जाया करते हैं। और रविवार के दिन विशेष दिन है, कई लाख पब्लिक वहाँ आती है, चारों तरफ का रास्ता बंद हो जाया करता है भीड़ से, और दर्शनार्थी पूरे दक्षिण भारत से भी, और एक बगल में उनके हैं दंड पाणी भैरव बाबा, तो दक्षिण भारती बोलते हैं इल पो रंड स्वामी काल भैरव दंड पाणी, काल भैरव बाबा दंड निर्धारित करते हैं और देते हैं। बगल में 2 मिनट का रास्ता है दंड पाणी भैरव बाबा, उनकी अपार महत्ता है और हमारा सौभाग्य है हम लोगों का कि उन्हीं के मंदिर के पास के घर के निवासी हैं और हमेशा उनके चरणों में। एक बात मैं बता दूंगा आपको, बहुत बड़ी ताजुब होगी, केवल मैं गंडा पहना हुआ था काल भैरव बाबा का, गंडा काला गंडा होता है, उसके पहनने से आप सुन के घबरा जाएंगे पूरे देशवासी आपके चैनल पे, 1:47 की 18 गोली मुझे लगी थी BHU के पास, लेकिन बाबा का चमत्कार है कि मैं आज जिंदा हूँ आपके सामने। और इसलिए मतलब जो ये बात सही है कि जो कहा जाता है कि काशी में यमराज की नहीं काल भैरव की चलती है, काल भैरव बाबा की चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और केवल दर्शन, हम तो आपसे भी कहेंगे कि आप भी अगर काशी आई हैं तो देरे अबेर सही वहाँ दर्शन जरूर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाबा विश्वनाथ के साथ साथ काल भैरव के भी दर्शन करके आई हूँ, इस बार नहीं इस बार जाऊंगी। पिछली बार जैसा मैंने आपको कहा, यहाँ मान्यता है कि आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें और फिर अगर काल भैरव ना जाए तो आपको बनारस वापस आना पड़ता है, आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के बेहद अहम दिन नामांकन के वक्त जल्द पहुंचने वाले हैं काल भैरव मंदिर, जहां पर पूजा के सुरक्षा के सभी इंतजाम है। जल्दी से हम विक्रांत का रुख करना चाहेंगे, हमारे संवाददाता विक्रांत सुबह से ही काल भैरव मंदिर पर बने हुए हैं। विक्रांत ये बताइए, वक्त पता लग पाया है कि कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के कोतवाल के द्वार पहुंचेंगे और कैसे सुरक्षा के इंतजाम है वहां पर? देखिए बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि 9:45 का नया समय है प्रधानमंत्री का, और इस समय मंदिर से हम लोग बाहर आ गए हैं क्योंकि मंदिर को सैनिटाइज किया जा रहा है, सुरक्षा के अपनी जो ज़रूरतें होती हैं वो जांच एजेंसियां पूरी कर रही हैं, और इस समय ठीक मंदिर के बाहर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि RAF, उत्तर प्रदेश पुलिस, SPG सभी के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी के समर्थक भी पहुँच गए हैं और मैं भी चौकीदार का नारा लगाए हुए, टी शर्ट पहने हुए, नारेबाजी भी कर रहे हैं, और कुछ महिलाएँ भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँची हैं। और जिस तरीके से बाबा का, क्योंकि ये जो मंदिर है बहुत ही सकरी गलियों में बना हुआ है, प्राचीन मंदिर है, जांच एजेंसियों के लिए बड़ी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है यहाँ पर, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि वो अपना नामांकन दाखिल करने से पहले शहर के कोतवाल यानी कि बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेंगे, वहाँ पर अनुमति लेंगे, तो इस कारण से प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर अनुमति लेंगे वो शहर कोतवाल की, और उसके बाद अपना नामांकन दाखिल करने के लिए वो चले जाएंगे कचहरी की तरफ। आप देख सकते हैं कि इस समय पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, पुलिस किसी तरीके से लोगों को काबू भी करना चाह रही है, लोग ऊपर अपनी छतों पर दिखाई दे रहे हैं, आपको अपने जंगलों से झांक रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब यहां से आएंगे तो उनको देखने के लिए, प्रधानमंत्री काल भैरव के दर्शन करने आ रहे हैं तो उनके लिए भी, जो यहां पर आसपास लोग रहते हैं उनके लिए एक बड़ा मौका है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। जी नेहा जी विक्रांत, ये तस्वीरें आप लगातार हम तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे, देखिए किस तरह की गहमा गहमी वहां देखने को मिल रही है। विक्रांत ये भी बताइए, बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक जिनमें महिलाएं BJP की टोपी पहनकर भगवा रंग में हमें नजर आ रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा जब प्रधानमंत्री अपनी SPG प्रोटेक्शन के साथ काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे दर्शन पूजन के लिए। देखिए बिल्कुल, आपको मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट जयपाल से कहूंगा कि दिखाएं किस तरह की चुनौती से जांच एजेंसियों को झेलना पड़ता है ये काम करते हुए, क्योंकि हर जगह आपको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के पर्याप्त मौके नहीं मिलते, बावजूद इसके वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते। चारों तरफ से ये पुराना शहर है बनारस, जांच एजेंसियां कोशिश कर रहे हैं पुलिसकर्मी की किसी तरीके से लोगों की भीड़ को काबू करें, उन्हें जिस समय प्रधानमंत्री यहां से आए तो पब्लिक उनके बीच में या उनके रास्ते में ना आ पाए, लेकिन यहां की सकरी गलियों को देखते हुए ये सब करना बहुत ही मुश्किल और बड़ा काम है जांच एजेंसियों का। आप जहां देख रहे हैं, जो लोग अपने जंगलों से झांक रहे हैं, देख पा रहे हैं
उनके माध्यम से कैसे हर तरफ बस लोग ही लोग हमको दिखाई दे रहे हैं, छतों पर चढ़े हुए, घरों के ऊपर, दुकानों में, सबकी नजर इस बात पर कि काल भैरव बाबा के दर्शन करने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे नामांकन से पहले तो कैसा माहौल होगा। विक्रांत, आगे मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से हम कचहरी का रुख करना चाहेंगे। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। अमिताभ वहां मौजूद है। अमिताभ, हमें जानकारी मिल रही है एनडीए के कुछ बड़े चेहरे भी वहां नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एनडीए का चेहरा है यहाँ पर, एनडीए के सारे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे और एनडीए का कुनबा मजबूत है, एक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे है, यही साबित करने की कोशिश है। इसीलिए कचहरी में जब पहुँचेंगे तो बीजेपी की सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह के साथ साथ एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तो ये सीधा संदेश है उन तमाम अपोजिशन को, उन विपक्षी दलों को जो सवाल उठाते हैं कि एनडीए के नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठते हैं, और इन सब तमाम बातों को धता बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सबसे आगे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं और यही चीज़ यहाँ पर तमाम नेताओं की मौजूदगी साबित करेगी। सुदूर दक्षिण से भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद होंगे, सुदूर उत्तर पूर्व से कुछ मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद होंगे, नीतीश कुमार का आना भी काफी मायने रखता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मिला जुला कर एक ही संदेश दे रही है कि एनडीए के कुनबे के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उसके साथ साथ दूसरा, अगर चुनाव के बाद कोई नेता होगा उनका तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। तो इतना तो साफ करने की कोशिश हुई है। कचहरी में नामांकन अब से थोड़ी देर में दाखिल होगा, चारों जो प्रस्तावक हैं उनके नाम का भी चयन हो चुका है, उन चार प्रस्तावकों का, वो चारों चार तबके से आते हैं। अगर देखा जाए तो पाणिनि कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य नंदिता शास्त्री हैं जो यहाँ पर मौजूद रहेंगी, पटेल धर्मशाला के लोग मौजूद रहेंगे, डोम राजा जो बनारस के मणिकर्णिका घाट के जो प्राचीन काल से चला आ रहा है जो परंपरा, उस परिवार का सदस्य होगा। तो एक पूरा का पूरा संदेश जो है कल से आज तक देने की कोशिश हो रही है, जो मैंने पहले भी बताया, पीएम की लोकप्रियता, एनडीए का कुनबा और भक्ति, ये तीन चीजों का संदेश शायद बनारस की जनता को नहीं पूरे देश को दिया। चार प्रस्तावकों के आप नाम ले रहे हैं ना, जिस वर्ग से ये आते हैं अमिताभ, मायने क्या है, इसके माध्यम से वोटर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं पीएम, इस पर भी मैं आगे आऊंगी। यानी 2019 के सबसे बड़े नामांकन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब से थोड़ी देर बाद होने वाले नामांकन की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं लगातार न्यूज 18 इंडिया पर। सीधे काशी के टाउन हॉल से हमारे साथ कचहरी से अमिताभ सिन्हा और काशी के कोतवाल काल भैरव बाबा की जगह से विक्रांत लगातार बने हुए हैं। छोटे से अंतराल के बाद हम लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर।